नमस्कार दोस्तों, अलाउंडर बात कर रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे छोटे और मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। तो कहाँ गए वो लोग जो कि इंग्लैंड के जीत के नारे लगा रहे थे? वीडियो जब मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे तो भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई यार इंग्लैंड जीतेगा, और मैंने वीडियो में बोल रखा था, पहले ही सारी चीजें क्लियर आउट कर रखी थी कि भाई इंडिया जीतेगा, मतलब जीतेगा कुछ भी हो, ये बदला है 2.0 रोहित शर्मा का। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बदला है। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूं कि ये मैच वन साइडेड हुआ है। 80 पैसे का रेट आया था, एक बार आया था पूरे मैच में, दोनों इनिंगों को मिला के पूरे मैच में इंग्लैंड एक बार भी फेवरेट नहीं आया। वन साइडेड मुकाबला हुआ है, फर्स्ट सेमीफाइनल ले लो चाहे वो सेकंड सेमीफाइनल ले लो, मजा बिल्कुल नहीं आया। जो भाई प्ले करते हैं उनके लिए बात बोल रहा हूं, और जो लोग इंडिया की जीत पर खुश हो रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा, जो लोग प्ले करते हैं, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूं। इंडिया जीता उनको तो खुशी होगी अब, लेकिन जो एशिया के लोग हैं, जो कि भाई पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, नेपाल भी आता है, श्रीलंका भी आता है, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि भाई यार एशिया में आना चाहिए वर्ल्ड कप, एशिया में आना चाहिए। और साउथ अफ्रीका का तो टैग आपको भी पता है कि चोकर्स का टैग है, चोकर्स का मतलब जैसे कि आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर कभी नहीं जीतता, वैसे ही साउथ अफ्रीका कभी भी कोई भी बड़ा इवेंट नहीं जीता है। ये उसका काला दाग है उसके अंदर, एक तरीका से चोकर्स है। चोकर्स मतलब बड़े स्टेज पे आके चोक्स कर देते हैं। लेकिन इस बार मुझे ये लग रहा है कि जो साउथ अफ्रीका आप लोग देख रहे हो वो साउथ अफ्रीका नहीं है, हटके है थोड़ी सी साउथ अफ्रीका, क्योंकि डेविड मिलर ले लो, क्लासन ले लो, एडन माक्रम ले लो, अभी आपने देखा होगा कि 56 रन पर इन लोगों ने ऑल टीम कर दी अफगानिस्तान की। तो आप लोग जानते हो कि बॉलिंग काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, रवाड़ा भी काफ़ी अच्छी बॉल फेंक रहे हैं, समसी भी हैं इनके पास, केशव महाराज भी हैं। तो ये जो ओवल का ग्राउंड है, ओवल किंगडम का ग्राउंड है, बारबाडोस में है ये मैच, बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है, बड़ा अच्छा ग्राउंड है। अब उम्मीद है कि इस ग्राउंड में रन बनेंगे, 175-185 के बीच में टारगेट रह सकता है। और ये मैच सैटरडे को 29 जून 2024 को 8 बजे आप सबको देखने को मिलेगा। तो सभी भाई देखो, पूरा का पूरा टीवी भी सारी व्यवस्थाएं लगा लेना, क्योंकि 2 साल बाद वर्ल्ड कप आया है और 2 साल बाद इंडिया फाइनल में पहुंची है। तो 55-56 पैसे का रेट है, इंडिया फेवरेट है। बस यही चीजों से मुझे खुशी नहीं होती है, ये चीजें हैं ना, ये रेट देख के थोड़ा सा दिल दुख जाता है यार। इंडिया स्ट्रांग टीम है, तो यार एक तरीके से अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका क्या झक मराने आई है? जो टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, फाइनल में पहुंची है, 55-56 पैसे का रेट आप दे रहे हो। और हेड टू हेड की बात की जाए तो देखो आप, 5-5 मुकाबले दोनों टीमें जीती हैं, किसी भी एंगल से साउथ अफ्रीका कम लग रही है आपको? ये बता दो मुझे, 10 में से 5-5 दोनों बार दोनों टीमें जीती हैं। हाँ, यहां पे भी देखो ऑडियंस ने झक मार के रख दी है, 25% साउथ अफ्रीका, 75% इंडिया, तो इंडिया को ही फेवर किया जा रहा है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, जब इंडिया पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी हार गई थी तो पूरा का पूरा देश यही बोल रहा था कि इंडिया जीतेगा, उसके बावजूद भी चैंपियन ट्रॉफी हारी थी। और रिसेंटली 2 मुकाबले देखो, 1 मुकाबला साउथ अफ्रीका, 1 मुकाबला इंडिया, तो यहां पे मुकाबला बराबरी का है। तो ये मत सोचना कि भाई आंख बंद करके इंडिया ही जीतेगी, ऐसा कुछ नहीं है, गेम है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। साउथ अफ्रीका की बैटिंग और बॉलिंग को देखते हुए अगर देखा जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है। तो यहां पे बैटिंग जो करेगा वो 56% जीतेगा, बॉलिंग करेगा 41% जीतेगा, मतलब बैटिंग करो और मैच जीतो, बैटिंग करो टारगेट बड़ा बनाओ, चेस नहीं होता यहां पे, आपने देख लिया होगा इंग्लैंड से। देखो भाइयों, दिखाने और बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है इस मैच में, आपको भी पता है कि भाई टीम इंडिया दूंगा मैं, मैच का विनर टीम इंडिया दूंगा मैं, ये आपको भी पता है, मेरा प्रेडिक्शन टीम इंडिया के साथ में रहेगा, इंग्लैंड वाले मैच में भी हो टीम इंडिया के साथ में रहे। अब साउथ अफ्रीका फाइनल खेल रही है, साउथ अफ्रीका के साथ जो फाइनल होना है उसमें भी टीम इंडिया के साथ में रहेंगे। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं यहाँ पे टीम इंडिया विनर में देकर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 55-56 पैसे के रेट में टीम इंडिया देकर जाना कोई मेरी बड़ी बात नहीं होगी, दुनिया बोल रही है, 145 करोड़ की आबादी बोल रही है कि टीम इंडिया जीतेगा, एशिया में भी बहुत सारे देश बोल रहे हैं कि टीम इंडिया जीतेगा, इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग देखकर भी लग रहा है कि इंडिया जीतेगा। लेकिन अंडर एस्टिमेट मत कर देना साउथ अफ्रीका को, एक बार फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो रेट है ना, ये रेट सरासर गलत रेट है। 55-56 पैसे मतलब 100 में से 50% ही जीत पाएगी। आप मानते हो कि भाई
मतलब आधे चांसेस हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए साउथ अफ्रीका के। यहाँ पे क्या ये रेट चला रहे हो आप 55-56 पैसे, ये रेट जब जब इंडिया के सामने जो टीमें खेलती हैं यही रेट ओपन होते हैं। यही चीज मुझे खल जाती है। या तो टीम इंडिया वन साइडेड तरीके से हार जाती है, उसमें भी गांड मारी जाती है, किनकी पंटरों की मरती है, या तो फिर इंडिया रेट ही नहीं जीतती। क्योंकि आपने इंग्लैंड वाले मैच में देखा होगा 70 पैसे के रेट से रेट नहीं आया वापस। अब जो भाई एंट्री लेके बैठे होंगे खाने की, यार खाने की एंट्री लेगा भाई यार 55 पैसे 65 पैसे 50 पैसे के रेट में कोई लगाकर एंट्री लेगा इंग्लैंड जैसी टीम के सामने? नहीं लेगा मेरे भाई। 70 पैसे के रेट में लगाने की एंट्री नहीं, खाने की एंट्री कर आया था इंडिया इंग्लैंड वाले मैच में। बहुत सारा मार्केट कल के मैच में जीता नहीं है, हारा है मार्केट, जीता नहीं है। क्योंकि यार एक बार भी इंग्लैंड वालों ने रेट नहीं दिया। जोस बटलर और फिलिप साल्ट जब खेल रहे थे 3 ओवर में 26 रन बने थे तो लोग वहां पे खाई कर रहे थे 33-35 पैसे में इनिंग ब्रेक में, जो कि रेट चल रहा था। लेकिन जोस बटलर का आपने देखा होगा कि शॉट कैसा खेला था, गैर अंदाजा शॉट खेलकर आउट हुए हैं। पूरी की पूरी टीम ही मादरचोद है इंग्लैंड की एक तरीके से देखा जाए। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि भाई इंग्लैंड जीतता बड़ा अच्छा लगता है, मुझे इंडिया जीता बहुत खुशी हुई, लेकिन बात बता रहा हूं कि इस मैच में रेट मिलना चाहिए 30 पैसे के रेट से 90-95 पैसे, या फिर एक बार मैच में इंग्लैंड फेवरेट आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। तो सेम यही चीज आपके सामने रखी है। तो यहां पे लोगों की सोच अब क्या हो गई है कि भाई यार इंडिया की बॉलिंग तो बहुत टाइट है, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, और यहाँ पे जडेजा भी फेंक देते हैं, तो यहाँ पे 3-3, 4-4 स्पिनर हैं इनके पास। तो यहाँ पे तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे 55 पैसे में लगा के मैच जीतो टीम इंडिया के साथ में, लाखों रुपए लगा दो 55 पैसे के रेट में, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये गलतियां मत कर देना मेरे भाई, ये फाइनल है, चूड़ियां पहन के नहीं आई है साउथ अफ्रीका की टीम कि यहाँ पे कोई डांडिया खेलने के लिए आई है। यहाँ पे मैच बनेगा तो यहाँ पे आप खाने की एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे मैच वन साइडेड नहीं होगा, ये लिख के ले लो आप लोग। मैच अच्छा बनेगा, हो सकता है कि जैकपॉट बने, हो सकता है कि आपको इंडिया हारती हुई दिखे, लेकिन कुछ भी हो कैसे भी हो, कान चाहे आप पहले हाथ से पकड़ो चाहे वो दूसरे हाथ से पकड़ो, जीतेगा टीम इंडिया, ये मैं लिख के दे रहा हूं। लेकिन आपकी धड़कनें, आपकी टॉयलेट, आपकी पॉटियां बंद हो सकती हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि मैच ऐसा हो सकता है, आपको लग सकता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच किस किस भाइयों ने देखा, सही बताना, क्या टारगेट था उसमें, इंडिया ने क्या टारगेट दिया था पाकिस्तान को? 118-119 रन का टारगेट था ना, 120 रन चेस करने थे ना, उसके बावजूद भी पाकिस्तान चेस नहीं कर पाई। रेट क्या आ गया था 11-12 पैसे यार, बॉल भाई रन वाला टारगेट था, उसके बावजूद भी टीम इंडिया जीती। लेकिन उस जीत के बावजूद भी उस मैच में बहुत सारे लोग हारे होंगे, क्योंकि यार 120 बॉलों में 119 रन नहीं बनाने, पाकिस्तानी जैसी टीम है यार, इतनी भी कोई बेकार टीम नहीं है, लेकिन टारगेट नहीं बना। जब आपके 100 कर्म कर दिए जाएं, आपको उठा उठा के पटका जाए, फिर आपको अवार्ड दिया जाए, ये सिचुएशन बन सकती है इस मैच में, समझ रहे हो? जो डटकर खड़े रहेगा, जो हिम्मत दिखाएगा, जो सोचेगा कि भाई यार करो या मरो वाला गेम है मेरे लिए, मैं तो टीम इंडिया के साथ में रहूंगा, बेशक 2 पैसे क्यों ना लग जाए साउथ अफ्रीका, वो पैसा कमा जाएगा। ये सोच लो कि पैसा कुआं में डाल दिया, क्योंकि यार परिस्थितियां कुछ ऐसी दिखाई जाएंगी कि आप यकीन ही नहीं मानोगे कि भाई ऐसा हो रहा है, मैच ऐसा हो सकता है। मेरे ख्याल से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो 2 मैचेस एक तरीके से वन साइडेड गए हैं। अफगानिस्तान वाला 26-56 रन पर ऑल टीम हो गई पूरी के पूरी अफगानिस्तान टीम, उसमें भी लोगों ने यही सोचा था कि खाने की एंट्री करेंगे, ऊपर का रेट जाएगा, कटिंग कर आएंगे, लेकिन नहीं हुआ कुछ। ये वाला कल वाला मैच 70 पैसे से ऊपर का रेट ही नहीं गया, डायरेक्ट टीम इंडिया जीत गई। अब ये जो मैच है फाइनल, पूरे के पूरे विश्व की निगाहें हैं जहां जहां क्रिकेट देखा जाता है, खेला जाता है। तो यहाँ पे अंडर एस्टिमेट मत करना साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका का जो रेट, जो इंडिया का रेट चल रहा है, अभी का रेट चल रहा है, आप देख सकते हो कि 55-56 पैसे का रेट चल रहा है, इस रेट से ऊपर का रेट आएगा, मैं इतना बोलकर जा रहा हूं। अब भाई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि टीम इंडिया जीतेगा ये मुकाबला, टीम इंडिया जीतेगा। 55-56 पैसे का रेट है, टीम इंडिया को प्लस कर चलना, टीम इंडिया ये मुकाबला जीतेगा। आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहूंगा, थोड़ा बने रहना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऑलराउंडर फैमिली के नाम से है ये टेलीग्राम चैनल, तो सभी भाई जाकर ऑलराउंडर फैमिली का चैनल सर्च करो। ऑलराउंडर फैमिली का जैसे ही आप चैनल सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कराता हूं, किसी भी भाई से कोई भी पैसे नहीं लेता। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, देखो यहां पे जब मैच स्टार्ट होगा, अभी तो मैं इंडिया देकर जा रहा हूं, अभी अगर आप लोग इंडिया ले लोगे तो भाई आपको फायदा क्या मिलेगा, 10,000 लगाओगे आप
10,000 लगाओगे तब आपको 5,500 रुपये मिलेंगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। वीडियो देख के बस आपको विनर पता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली जो उस टाइम पे मैच चलता है, उस टाइम पे जब पैसा कमाने का सही मौका तभी मिलता है, तब जब आप 8:30 बजे आओगे मेरे पास, तब मैं आपको बताऊंगा, हाथ पकड़ के काम कराऊंगा। अभी आप मेरे मैचेस देखो, इंडिया बोला इंडिया जीता, ठीक है चलते चलो, चलते चलो। अफगानिस्तान बोला अफगानिस्तान जीता, ठीक है चलते चलो। टीम इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था, इंडिया जीता, ठीक है। और चलते चलो, और चलते चलो, साउथ अफ्रीका का मैच इंग्लैंड के साथ था, इंग्लैंड जीता। ये तो ये जो मुकाबले हैं 2-3 मुकाबले, इनमें तो जैकपॉट उड़े हैं बड़े बड़े। और चलते चलो, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का मुकाबला था, इंग्लैंड जीता, ठीक है। और भी चलते चलो, बांग्लादेश का मुकाबला नेपाल से था, बांग्लादेश जीता। और चलते चलो, और चलते चलो, बांग्लादेश का नीदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड का, बांग्लादेश का मैच था, बांग्लादेश जीता। तो और चलते चलो, और चलते चलो, साउथ अफ्रीका का मैच बांग्लादेश से था, कौन जीता, साउथ अफ्रीका जीता। तो यार यहाँ पे बैक टू बैक जीत की हैट्रिक लगा के आए हम लोग। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चलना। 8 बजे मेरी और आपकी मुलाकात 29 जून 2024 को होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाथ पकड़ के काम कराने का मतलब यही है कि मैच में कुछ भी होगा, छक्का पड़ेगा एंट्री मिलेगी, विकेट आएगा एंट्री मिलेगी, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कैसी कैसी एंट्री आपको मिलती जाएंगी। तो सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, नाम से मेरा चैनल नहीं मिल पा रहा है, तो भाई जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसके नीचे चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप जैसे ही चैनल पर एक बार क्लिक करोगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाओगे। मेरे चैनल पर आते ही ज्वाइन कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन बात तो देखो ये है कि भाई आप लोग मेरे दुश्मन हो क्या, मुझे ये बता दो। आप लोग अगर दुश्मन हो, दुश्मनी निकाल रहे हो, तो पूरी निकाल लो मेरे भाई, कोई कसर नहीं छोड़ रहा, चाहे वो रात के 2 बजते हो, रात के 3 बजते हो। अभी सुबह उठा, जस्ट ही उठा, अभी कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है, वीडियो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं, और बैक टू बैक मेरे मैचेस पास भी जा रहे हैं। जब मेरे मैचेस बैक टू बैक पास जा रहे हैं, जब मैं आपको हाथ पकड़ के काम करा रहा हूं, मेरी कोई गलती नजर नहीं आ रही है, एकदम क्लीन चिट वाला काम देकर जा रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई अब क्या बोलूं मैं आपको, क्या बोलूं। आप वो भीड़ के साथ चलते हो जहां पे दिखाने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन करने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं होता है। तो उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे आप लोग, या फिर मेरे पास आके जो क्वालिटी वाला काम है जो कि मैं करा रहा हूं, आपके सामने रखा है पूरा का पूरा, आप देख सकते हो। कोई मैं नौसिखिया इंसान नहीं हूं कि कल ही मैंने चैनल बनाया, 2019 से 2020 से कंटिन्यू काम करा रहा हूं, पूरा का पूरा लेखा जोखा जो भी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जाके देख लो, पूरा का पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा। तो सभी भाइयों से, मेरे जितने भी छोटे बड़े बड़े बूढ़े जितने भी मेरे को फॉलो करते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, प्रेडिक्शन अच्छा लगता है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल को, खास तौर पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो ये जो गूगल है, गूगल पे जैसे ही आप मेरा चैनल का नाम डालोगे, देखो चैनल का नाम कैसे, ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, चैनल का नाम ये रहा, ऑलराउंडर फैमिली, ठीक है। जैसे ही आपने गूगल पे मेरा ऑलराउंडर फैमिली डाला, नीचे चैनल आ जाएगा, ये रहा, ये आ जाएगा, इस तरीके से ये पेज आ जाएगा, ये पेज आया। अब इस पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक बार जैसे ही आपने क्लिक किया, तो डायरेक्टली आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ये रहा मेरा चैनल, देखो ऑलराउंडर फैमिली की, ऑलराउंडर फैमिली जैसी चैनल आ जाएगा, तो ये सब्सक्राइब का ऑप्शन है। तो सभी भाइयों को कुछ नहीं करना, केवल सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल। भाई यार सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो आप मेरी बात को, क्या क्या कर रहे हो भाई, एक छोटा सा सब्सक्राइब, गला फट जाता है, काम कराते कराते यार खाना छोड़ देते हैं, बैठे रहते हैं, कहीं आना जाना भी नहीं होता, सारी चीज़ें स्किप कर रखी हैं, जिंदगी झंड बनती जा रही है, उसके बावजूद भी आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे, तो भाई मैं किन लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, जब अच्छा लगता है, जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, देखने में मजा आता है। तो सभी भाइयों से इसलिए बोल रहा हूं, मेरा निम्र अनुरोध है आप लोगों से, निम्र निवेदन है मेरे आप लोगों से, सभी भाई सब्सक्राइब कर लेना, सभी भाई सब्सक्राइब कर चलना, इग्नोर मत करना। और मैच का मैंने विनर बता दिया है, कल का मैच का जो कि विनर है, फाइनल मैच का विनर FINALINDIA, इंडिया जीतेगा, लेकिन रेट जो बताया है उसको देखकर और टेलीग्राम पे आ जाना, हाथ पकड़ के एंट्री के साथ काम करा कर जाऊंगा, डबल ट्रिपल पैसे लेके कमाना इस मैच में, दिल खोल कर कमा लेना, बस इतना ही बोलूंगा। चलिए ख्याल रखिए सभी भाई।